शहर को साफ सुथरा बनाने और सकाफती विरसा को बचाने का मंसूबा। मछली मंडी और रिम मार्केट को सगिया के मकाम पर जगह देने का फैसला। मौजा गंज कलां और मौजा बेगमकोट में अराजी दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद कहती हैं, रिम मार्केट 50 केनाल, मछली मंडी को 20 केनाल सरकारी अराजी मिलेगी। मुंतकली में 1 से 1.5 साल लग सकता है। अंजुमन आड़तियां मछली मंडी फैसले पर खुश। मुंतकली के ऐलानात पर जल्द अज जल्द अमल दरामद कराने का मुतालबा। हुकूमत बदली, शहर की हालत ना बदली। टूटी सड़कें, अधूरे तरक्याती काम, आवाम के लिए अजियत का सामान। मॉल रोड के करीब मैकेगन रोड फूट टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक जाम मामूल, पैदल चलना मुहाल। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। नेपियर रोड पर भी खड्डे ही खड्डे। 8 माह बाद भी सड़क का तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। पंजाब कार्डियोलॉजी के सामने भी सड़क पर गढ़ा पड़ गया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों का गुजरने में मुश्किलात। इस्लाम पार्क का इलाका भी जौहड़ का मंजर पेश करने लगा। गंदा पानी गलियों में दाखिल, रिहायशी बीमार होने लगे। हमजा शहबाज को पंजाब में चेयरमैन पीएसी बनाने का हतमी फैसला। वजीर कानून बिशारत राजा कहते हैं, विफाक में हुकूमत और अपोजिशन, तनाव का पंजाब में फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपोजिशन से तयशुदा मामलात पर अमल दरामद करवाएगी। वजीर आला और स्पीकर की वापसी पर असेंबली इजलास बुलाया जाएगा। पीएसी के चेयरमैन का चुनाव इलेक्शन के जरिए होगा। इत्तेहादियों में एक और अहद पैमा, काफ लीग और पीटीआई का बल्दियाती इलेक्शन भी मिलकर लड़ने का ऐलान। नईमुल हक और चौधरी शुजात की मुलाकात में फैसला हुआ। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को लंदन में मजीद 14 रोज कायम की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। बेटी को दिल का मसला है, तनहा छोड़कर नहीं आ सकता। हमजा शहबाज ने अदालत से मजीद रुकने की इजाजत मांगी थी। नैब पर पहले ही बड़े इल्जाम लग रहे हैं, अब नैब बेंच भी अपनी मर्जी से बनवाएगा। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर नैब का एतराज मुस्तरद। नैब ने मौजूदा बेंच तब्दील करने की इस्तदा की थी। केस की समाअत जस्टिस शहजाद मलिक पर मुश्तमिल बेंच ही करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार शमीम खान ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने शहबाज की दरखास्त जमानत के खिलाफ दस्तावेजात जमा करा दी। रमजान शुगर मिल्स केस में दलाइल के लिए वकला आज तलब। नैब में गिरफ्तार साबिक सीनियर वजीर अलीम खान का गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने अपनी लीगल टीम को हाईकोर्ट में केस दायर करने की हिदायत कर दी। अलीम खान ने नैब के साथ मुकम्मल तआवुन किया। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लीगल टीम। सानहा मॉडल टाउन, नई जेआईटी की तहकीकात तेज। केस की तफ्तीश में आम पेशरफ्त। शहबाज शरीफ को भी आइंदा हफ्ते जेआईटी के सामने पेश किए जाने का इम्कान। एफआईआर में शामिल पुलिस एहलकारों के बयान कलमबंद। सानहा मॉडल टाउन की तस्वीर और वीडियो बनाने वाले 9 अफराद का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली ना आई। पंजाब असेंबली का ऐवान ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस। मंजूर होने वाली 18 करारदादे सर्द खाने की नजर, अमल दरामद न हो सका। अरकान असेंबली में तशवीश की लहर, मामला स्पीकर के सामने उठाने का फैसला। गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम, डीजी रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर का खाता खुल गया। एंटी करप्शन ने चार्जशीट कर दिया। मैट्रिक पास को ग्रेड 18 में कैसे भर्ती कर दिया, बगैर तजर्बे के कैसे लॉ ऑफिसर्स तैनात किया गया, 3 रोज में जवाब तलब। जामियात से असातिज़ा की बरतरफी का मामला, यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का सड़कों पर आने का ऐलान। सदर डॉक्टर महबूब कहते हैं, 19 फरवरी तक असातिज़ा को बहाल ना किया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर जामियात में वाइस चांसलर की तकरियां करे, असातिज़ा के लिए कौमी पॉलिसी बनाई जाए।
गरीब को इलाज के लिए कार्ड मिलेगा। पंजाब में राजनपुर से सेहत कार्ड के इजरा का आगाज। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं रवा साल 72 लाख सेहत कार्ड तकसीम किए जाएंगे। सेहत कार्ड से 3.5 करोड़ आबादी को फायदा होगा। कार्ड पर 7,20,000 इलाज की सहूलत होगी। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का खतरा लाहक। पानी का मसला भी दरपेश। आने वाली नस्लों को और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वजीर मुमलिकत माहौलियात सरताज गुल की फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से तकरीब से खिताब। कॉलेज में पौधा भी लगाया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद विकास नजीर की जेर सदारत इजलास। मॉडल टाउन डिवीजन में क्राइम कंट्रोल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की काहना सर्कल में जराइम की तश्वीशनाक सूरत हाल पर अफसरान की सरजनिश। गार्डन टाउन में 7 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती का वाकया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की जना अस्पताल आमद। मुतासरा बच्ची की आयादत। अस्पताल इंतजामिया को मजीद बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए भी हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी। हाई कोर्ट में आसमा जहांगीर की बरसी की तकरीब। जजेस और सीनियर वकला की जानिब से मरहूमा को भरपूर खराज अकीदत। जस्टिस अली बाकर नजफी कहते हैं आसमा जहांगीर को कभी नहीं भूल सकते। आजाद अदलिया के लिए उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। मरहूमा की बेटी मुनीसे जहांगीर का भी इजहार ख्याल। बोली लोग पूछते हैं आसमा जहांगीर का कला कौन पुर करेगा। मेरी वालिदा ने हमेशा असूलों की जिद्दोजहद की और डटी रही। इमोशनल इंटेलिजेंस का अनवान। मोटिवेशनल स्पीकर शुआना मुफ्ती का लम्स बे लेक्चर। मुस्तकबिल के मुयम्मारों की रहनुमाई। जज्बात को दिमाग पर हावी ना होने दें। सबसे अहम ज़हनी तनाव में जीना है। मुश्किल कुदरती होती है मगर इसे सर पर सवार ना करें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को का अनवान। पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीरी मुकाबले। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा की शिरकत। साबिक गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल बोले मुआशरे में इंसानी हमदर्दी के मरबूत मंसूबों की जरूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट ने नौजवानों को मुल्क कौम का असासा करार दिया। नुमाया पोजिशन हासिल करने वाले तलबा में इनाम तकसीम। और शेर पालने के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। सफारी जू इंतजामिया का शेर और टाइगर के बच्चों के नीलामी का फैसला। 6 माह के बच्चों को नीलाम किया जाएगा। नीलामी की तारीख का फैसला जू मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद किया जाएगा।